हेलो, वेलकम टू बामोज बायो इंजीनियर्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक टॉपिक 8.5.1 सेल मेम्ब्रेन। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट आल्सो, सो लेट अस सी। सी, सेल मेम्ब्रेन इज अ काइंड ऑफ बाउंड्री वॉल, एंड दिस बाउंड्री वॉल सेपरेट्स the internal environment or cytoplasm of the cell from the external environment. External environment cell में क्या रहता है? अगर multicellular animal है तो इसके आजू बाजू में ये extra cellular fluid रहता है, या tissue fluid बोलेंगे। और अगर unicellular animal है तो बाहर सब external environment होगा। So दिस इज अ काइंड ऑफ बाउंड्री वॉल इन बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड इंटरनल एनवायरमेंट। नाउ अनदर पॉइंट इज यूनिवर्सल नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने इसको, ये जो बाउंड्री वॉल है या ये सेल मेम्ब्रेन है, इसको बहुत सारे नाम है। सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, प्लाज्मा लेमा बोलेंगे, या यूनिट मेम्ब्रेन बोलेंगे। सब सब एक ही नाम है, एक ही सेलुलर ऑर्गेनेल के नाम है, दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन। अभी ये जो सेल मेम्ब्रेन है, दी थिकनेस ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन इज सेम एज 7.7 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर। अब यही थिकनेस आपको हर जगह पे, अंदर भी जितने भी गॉल्गी कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन है, या लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन है, या माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, इसी इन सब में यही टाइप का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मिलेगा, या ऐसा बोलेंगे कि केमिकल कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अ सेल मेम्ब्रेन इज द सेम एज दैट ऑफ द लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्गी कॉम्प्लेक्स और इवन इन अ न्यूक्लियस आल्सो। दैट मीन्स the nature of this cell membrane is similar everywhere in a cell. That's why it is called as a universal nature of a cell membrane. Another point is that the same type of cell membrane is found in every living organism. So that is why also it is called as a universal in nature. So कोई भी आप ऑर्गेनिज्म उठा के देख लो, उसकी अगर आप सेल मेम्ब्रेन देखेंगे तो सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। अब ये सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, जब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए 1950s के बाद, तब जाके आप अपने को पता चला कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का होता है। अगर लाइट माइक्रोस्कोप में सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखता नहीं है, लाइट माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्यूशन पावर है वो बहुत कम रहता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर जो है वो 100,000 इतना ज्यादा रहता है, 100,000 x। वी कैन कंपेयर विद द 100 x ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप। सो इतना ज़्यादा रिजोल्यूशन पावर में ही ये सेल मेम्ब्रेन हमको दिख सकती है, और उसको एक नाम दिया गया है, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। तो ये फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक यूज करके, अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अभी तक जो है वो जान पाए हैं। ठीक है, सो दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन एज अ बाउंड्री वॉल एंड यूनिवर्सल नेचर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। देन अनदर पॉइंट इज अ सिलेक्टिव परमियाबिलिटी। अब हम देखेंगे कि, देखो कि जितने भी सिलेक्टिव परमियाबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज इट विल अलाउ सर्टन मॉलिक्यूल्स टू कम इन एंड गो आउट। सो इट विल नॉट अलाउ एनी मॉलिक्यूल टू कम इन साइड और गो आउटसाइड द प्लाज्मा। तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना, कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है, कोई भी जा रहा है बाहर, तो उसका क्या मतलब है कि बाउंड्री वॉल का। तो यहाँ पे
ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिलेक्टिवली मतलब ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है। परमिएबिलिटी मीन्स इट परमिट्स एंट्री और एग्जिट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लार्ज मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स अगर है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, देन कि कौन आ सकता फिर? तो ये आयंस और लिपिड लाइक मॉलिक्यूल्स। कुछ आयंस ऐसे हैं जो अंदर आ सकते हैं, लिपिड लाइक मॉलिक्यूल्स वो भी अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसा कि सोडियम और पोटेशियम आयन है, आपको पता है पोटेशियम आयन की जो परमिएबिलिटी है वो 100 टाइम्स मोर देन द सोडियम आयन। सो दिस इज हाउ दैट द सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिट सर्टन काइंड्स ऑफ आयंस। फिर ये टोटल देखो कि दिस इज हाउ दैट दी बाउंड्री वॉल और वी कैन से द सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स, इट डज नॉट अलाउ लार्ज मॉलिक्यूल्स और पोलर मॉलिक्यूल्स टू कम इन, एंड लिपिड लाइक मॉलिक्यूल्स और आयंस कैन एंटर इन साइड द सेल। सो सिमिलरली दे कैन गो आउटसाइड ऑल्सो। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट लीव द साइटोप्लाज्म थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस इज हाउ दैट दी सिलेक्टिव परमिएबिलिटी वर्क्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग और वी कैन से व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। बिकॉज ऑफ दिस सिलेक्टिव परमिएबिलिटी यू विल फाइंड दैट द इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द सेल इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। सो मान लो कि ये सेल है और वो सेल कोई अपन ऐसे एनवायरनमेंट में रखती है जहाँ पे सोडियम और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में है, तो आप क्या देखेंगे कि सेल और सेल का जो इंटरनल साइटोप्लाज्म जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि पोटेशियम आयन्स की परमेबिलिटी ज़्यादा रहने से पोटेशियम आयन्स अंदर आ जाएंगे और सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो बाहर के एनवायरनमेंट से अलग हो जाएगा। सो दिस इज हाउ दैट सेलेक्टिव परमेबिलिटी वर्क्स। नाउ वी विल सी द कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इनटू स्मॉलर कंपार्टमेंट्स। नाउ दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। और कंपार्टमेंटलाइजेशन क्यों किया जाता है? तो कंपार्टमेंटलाइजेशन इसलिए किया जाता है कि टू परफॉर्म सर्टन काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट मे बी सिंथेसिस, दैट मे बी असेंबली, दैट मे बी मॉडिफिकेशन, दैट मे बी ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसके लिए जो एंजाइमेटिक कॉन्सेंट्रेशन जरूरी होता है या आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन जरूरी होता है, वो आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन एंजाइमेटिक कॉन्सेंट्रेशन एक छोटे से कंपार्टमेंट में मेंटेन किया जा सकता है। और इसीलिए कंपार्टमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। और ये कंपार्टमेंट्स मतलब क्या है? तो ये कंपार्टमेंट मतलब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड दे आर मीट फॉर स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ रिएक्शन। सो नेचुरली दे विल परफॉर्म दैट पर्टिकुलर फंक्शन इन अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट, एंड दैट क्लोज्ड एनवायरनमेंट दैट कंपार्टमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन। एक एग्जाम्पल अपन शेयर कर सकते हैं कि जैसे कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को एनवायरनमेंट ऐसा जरूरी होता है कि हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट। हाईली एसिडिक मीन्स एच पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो उसको एसिडिक बोलते हैं। तो ऐसा एनवायरनमेंट बनाने के लिए या एक कंपार्टमेंट में, ये लाइसोसोम्स के कंपार्टमेंट में ये बनाने के लिए एच पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन उसको बढ़ाना पड़ता है और तब जाके वो एसिडिक होता है, तब जाके वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी काम कर सकते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट। सो दिस इज हाउ दैट द कंपार्टमेंटलाइजेशन वर्क्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट।
Now, different cells have a different types of proportion of these chemicals. That is, in case of RBCs, you will find the proteins are 52% and lipids are 40%, and remaining is a carbohydrate. So different cells have a different type of chemical composition of plasma membrane. Now, along with the or if we consider the type of lipids, or you can say the lipid composition, you will find that the phospholipids are there. Commonly found lipids are phospholipids and cholesterol. Now, if we consider a structure of a phospholipid, phospholipid is made up of a polar region or a hydrophilic head that is made up of phosphate and glycerol, and it has a fatty acid tail that is a region which is called as a hydrophobic region or a non-polar region. So such a molecule in which two types of region, polar and non-polar region, exist, such molecules are called as amphipathic molecules. Now here you will find that the hydrophilic means water loving, hydrophobic means water hating. So because of this property of a phospholipid, phospholipids in a liquid medium or in a medium like the cytoplasm and extracellular fluid where the water is more, they orient themselves according to their property, that is their one end, that is hydrophilic end, is directed towards the extracellular fluid, and one end is away from the that is hydrophobic end, or fatty acid tail remains away from the extracellular fluid. So similarly, they form another layer towards the cytoplasm, where again this hydrophilic region is towards the cytoplasm and hydrophobic region is towards the or away from the cytoplasm, because cytoplasm also contains a lot of water. So the lipid molecule, phospholipid molecules, orient themselves according to their property. So now we get a layer, or we can say a bilayer, having the hydrophilic region of phospholipids towards the extracellular fluid as well as towards the cytoplasm, and this layer, this bilayer, forms a core region, or we can say the region where the fatty acid tails are there. This region is known as the hydrophobic core of the lipid bilayer. Now it forms a direct, if we see the lipid bilayer sheet, you will find that, or it is like this. See, the hydrophilic region of the phospholipid is towards the extracellular fluid or towards the cytoplasm, and this forms the fatty acid tail, forms the core, which is hydrophobic in nature. Then if we see this, this is a membrane of the cell, this is a nucleus, this is the exterior region, and this is the cytoplasm. So the lipid bilayer is like this. So imagine like a box, and the cover of that box is made up of this lipid bilayer, and these lipid molecules are oriented like this. So why I have given this different colors to the lipid bilayer molecule, that is the composition of lipid molecules, or chemically these lipid molecules are also different. So some molecules, some different kinds of molecules are towards the exterior, and some different kinds of molecules are towards the cytoplasm. So this is a bilayer of a lipid molecules, and this is a, they form the plasma membrane, cell membrane, or plasma lemma. See, ये है Singer and Nicholson का fluid mosaic model. It is given by Singer and Nicholson in 1972. तो इसका मतलब ये है, fluid means ever changing,
डायनामिक और थोड़ा सा मतलब वी कैन से दैट बहता हुआ, मतलब कोई ऐसा रिजिड नहीं है, ऐसा फिक्स्ड नहीं है, ऐसा उसको बोलेंगे फ्लूइड। मोजाइक मीन्स जहाँ पे पैचेस रहते हैं छोटे छोटे, तो ऐसे चीज़ों को मोजाइक बोलते हैं। जैसे कि मोजाइक टाइल्स आपने सुना होगा, या फिर मोजाइक कैट आपको पता होगी, तो इसको बोलेंगे मोजाइक। तो मोजाइक यहाँ पे इसलिए नाम दिया गया कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पैचेस दिख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये प्रोटीन के बनाए हुए पैचेस है, तो ऊपर से जब देखते हैं तो वो मोजाइक के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए मोजाइक मॉडल। अब जब सबसे पहले इसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सिर्फ केमिकली केमिकल कंपोजिशन का पता चला था कि उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भाई रहता क्या है, पर उसके बोलेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा था, इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। तो लोगों ने मॉडल बनाए, अलग अलग मॉडल दिए, और वो मॉडल किसी ने बोला कि लिपिड मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो दोनों तरफ से प्रोटीन के अंदर रहते हैं, मतलब सैंडविच मॉडल ऐसा कहा। और बहुत से लोगों ने अलग अलग मॉडल दिए, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल था ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल बाय सिंगर एंड निकोलसन। और ये बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज के बाद में ऐसा पता चला कि यही मॉडल सही मॉडल था। तो आपको एनसीईआरटी बुक में भी इसका ही नाम है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। सो व्हाट इज दैट? सी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने आपको पहले ही इसको डिस्कस किया हुआ है, ये पूरे स्ट्रक्चर को, कि ये लिपिड बायलेयर फॉस्फोलिपिड की बनी रहती है, और ये फॉस्फोलिपिड के अंदर जो प्रोटीन्स है वो प्रोटीन्स ऐसे सस्पेंडेड रहते हैं। तो दो प्रकार के प्रोटीन रहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो कि बाहर पाए जाते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन भी बोलते हैं। तो एक तो वो बाहर रहते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर से लगे हुए रहते हैं, या अंदर भी रह सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक साइड को भी ये रह सकते हैं। और दूसरे आते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, या इंटरनल प्रोटीन, ऐसे अलग अलग नाम है उसको। तो ये जो प्रोटीन है वो पूरा ट्रांस मेम्ब्रेन क्यों बोला गया कि आर पार रहता है, मतलब बाहर से लेके तो अंदर तक, साइटोप्लाज्मिक साइड तक, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड से तो साइटोप्लाज्मिक साइड तक वो आर पार रहता है। तो इसको बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटरनल प्रोटीन। सो इस प्रकार प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स, दे आर अरेंज इन दिस मैनर। अब आप बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ रहते हैं इसमें, इन सबके बीच में? तो कार्बोहाइड्रेट जो रहते हैं वो मोस्टली वो आउटर साइड को, मतलब जो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो साइड को ये कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। और अगर ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अगर किसी लिपिड को अटैच रहते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, या फिर कोई कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अगर प्रोटीन को अटैच रहता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। सो इस प्रकार लिपिड और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अरेंज रहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल में। कोलेस्टेरॉल जो रहता है वो अनदर टाइप ऑफ अ लिपिड दैट इज प्रेजेंट इन सच अ मैनर, दैट इज इन बिटवीन द फॉस्फोलिपिड्स। नाउ इसका काम जो है वो बफर का है, वो ज़्यादा इसको फ्लूइड नहीं होने देता, या ज़्यादा उसको कॉम्पैक्ट नहीं होने देता। सो दैट इज हाउ दिस सिंगर एंड निकोलसन फ्लूइड मोजेक मॉडल इज देयर। अब कुछ बातें जो है वो मैं आपको एनिमेशन के जरिए बताऊंगा, जैसा कि जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो फ्लिप फ्लैप कर सकते हैं। तो फ्लिप फ्लैप का मतलब ये होता है कि ये साइड का लिपिड मॉलिक्यूल अंदर के साइड को जा सकता है, साइटोप्लाज्मिक साइड को, या साइटोप्लाज्मिक साइड का मॉलिक्यूल ऊपर एक्स्ट्रा सेलुलर साइड को मूव कर सकता है। यही बात प्रोटीन में नहीं होती, क्योंकि प्रोटीन को अगर इधर से, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अगर इसको इस साइड जाना है, साइटोप्लाज्मिक साइड जाना है, तो उसको ये उसका जो पोलर हेड है, पोलर रीजन है, वो
यहाँ से मूव करना पड़ेगा हाइड्रोफोबिक रीजन से। तो ये ऐसा एनर्जेटिकली, मतलब इसको एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इतनी एनर्जी वो प्रोटीन नहीं मिला सकते, तो वो प्रोटीन ये नहीं कर सकते। हालांकि लिपिड मॉलिक्यूल्स को भी एनर्जी लगती है, पर कम लगती है, और इट इज डन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज फ्लिपेज। तो वो तो आपको है नहीं, पर आप इतना ध्यान रखिए कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इज शोन ओनली बाय द लिपिड मॉलिक्यूल्स और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। अब आप एनिमेशन देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट एक्चुअली क्या है वो मैं दिखाया हूँ। देखिए कि ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल है। सेल का अगर ये पोर्शन एनलार्ज किया तो आपको दिखेगा कि ये लिपिड बायलेयर। यहाँ पे लिपिड बायलेयर में ये जो ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का फॉस्फोलिपिड है, वो आउटर हाफ से इनर हाफ में जा सकता है इस प्रकार। तो इसको बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अब आप एनिमेशन देखिए तो आपको पता चले। देखिए हम फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल का भी एनिमेशन देखेंगे। इसमें देखो कि मैंने ये जो डायग्राम बनाई है, ये लिपिड बायलेयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अभी देखेंगे अपन कि ये जो है ये आउटर लिफलेट ऑफ लिपिड बायलेयर है और ये इनर लिफलेट ऑफ लिपिड बायलेयर। अभी इसको इनर क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये साइटोप्लाज्मिक साइड की तरफ से, इसलिए इसको इनर बोलते हैं। ये आउटर साइड से है इसलिए इसको आउटर बोलते हैं, आउटर लिफलेट बोलते हैं। अब अगर समझो ये लिपिड मॉलिक्यूल को जो कि बाहर है, उसको बाहर के साइड को है, बाहर के लिफलेट में है, उसको इस साइड में आना है, तो ये जो मूवमेंट है इसको बोलेंगे हम फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो यहाँ पे ये एनिमेशन हम देखेंगे कि दिस इज हाउ दैट दिस पर्टिकुलर लिपिड मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। नाउ अब यहाँ दिक्कत ये है यहाँ पे कि ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है, इसका जो पोलर हेड है, उसको यहाँ से जब ये इधर आता है तो इसको ये कोर जो है हाइड्रोफोबिक कोर में से लेके आना पड़ता है, तो इसीलिए उसको थोड़ी सी एनर्जी लगती है, और जो कि एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल से उसको मिल जाती है। पर अगर कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो वो प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा उसको एनर्जी लगती है, इसलिए वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। सो ओनली फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इज शोन बाय द लिपिड मॉलिक्यूल्स ओनली। सी दिस इज हाउ दैट दिस एनिमेशन इज देयर। और यहाँ पे जो स्पेस हो जाएंगे वो जल्दी से वो बाजू आजू बाजू वाले जितने भी लिपिड मॉलिक्यूल है उसमें से एक उसको भर देगा। तो दिस इज हाउ दैट लिपिड मॉलिक्यूल्स आर लिपिड मॉलिक्यूल शोज द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि जैसा कि प्रोटीन जो है वो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दो प्रकार के होते हैं। इसका भी अब एनिमेशन है, मैं बताऊंगा कि दी लिपिड मॉलिक्यूल्स व्हाई दे आर कॉल्ड द लिपिड बायलेयर इज अ फ्लूइड, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फ्लूइड, बिकॉज जैसा आपने देखा है कि आइसबर्ग जैसा सी में फ्लोट होता है, उस प्रकार प्रोटीन्स आर लाइक अ आइसबर्ग इन अ सी ऑफ अ लिपिड, ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी दिस प्रोटीन मॉलिक्यूल कैन मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। सो दैट मीन्स इट कैन मूव लैटरल, इट कैन शो द लैटरल मूवमेंट। सिमिलरली लिपिड मॉलिक्यूल्स ऑल्सो शो द लैटरल मूवमेंट। यहाँ पे इंट्रिंसिक मॉलिक्यूल्स भी ऐसा कर सकते हैं, मतलब जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन रहते हैं वो भी ये ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इसको ट्रांस मेम्ब्रेन क्यों बोला गया, कि ये आर पार गया है, मतलब बाहर से लेके तो अंदर तक ये गया है। ऐसे प्रोटीन कौन है, तो जैसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रहते हैं, चैनल प्रोटीन रहते हैं, ये इस प्रकार के प्रोटीन होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन जिनको बोला गया, या इंटरनल प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोला गया। तो सीधी सी बात है कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो रहते हैं वो बाहर के साइड में या अंदर के साइड में रहते हैं, और ये इनका जो इंटरेक्शन रहता है फॉस्फोलिपिड के साथ में बहुत वीक रहता है। तो अगर आपको इनको निकालना है तो बहुत आसान है, ये निकल सकते हैं, पर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन निकलने के लिए इतना आसान
नहीं होता। तो इस प्रकार दिस फ्लूइड मोजाइक मॉडल इज देयर। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि कार्बोहाइड्रेट इस प्रकार लगा हुआ रहता है, लिपिड के अटैच रहता है लिपिड को या फिर प्रोटीन को। सी वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत सारे फंक्शंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। फर्स्ट है रोल इन अ सेल ग्रोथ। जब भी किसी सेल की ग्रोथ होती है तो उसके साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ग्रोथ होना जरूरी होता है। सो दैट इज अ रोल ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अ सेल ग्रोथ। देन सेल सेल इंटरेक्शन। दो सेल के बीच में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे कनेक्शंस बनाते हैं। तो ये कनेक्शंस जो है वो जैसा कि एग्जांपल है उसका प्लाज्मोडेमाटा या फिर कनेक्सिन। सो ये जो कनेक्शंस है वो वाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनते हैं। तो इसको बोलते हैं सेल सेल इंटरेक्शन। सो देन मेम्ब्रेन फ्यूजन। यू कैन सी इन दिस एनिमेशन दी व्हाट हैपेंस व्हेन वेसिकल्स फ्यूजेस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वेसिकल के अंदर का जो भी मटेरियल है वो बाहर डाला जाता है, तो इसको बोलते हैं दी एक्सोसाइटोसिस। तो ये जो है ये एक्सोसाइटोसिस तभी पॉसिबल है जब एक वेसिकल की मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में, मतलब आउटर बाउंड्री वॉल के साथ में फ्यूज हो जाती है। तो उसके अंदर का जितना भी कंटेंट है वो सब बाहर डाला जाता है। जैसा कि इंसुलिन सिंथेसिस में होता है कि जैसा अपने पैनक्रियाटिक सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, तो ये जो सिक्रीशन है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन फ्यूजन। फिर फैगोसाइटोसिस है, मतलब अपने जो WBCs है, जो सोल्जर सेल्स है, वो अपने अंदर आए हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या बैक्टीरिया को वो किल करते हैं, वो खा लेते हैं। तो दैट इज प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फैगोसाइटोसिस। और ये फैगोसाइटोसिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन सेल डिवीजन। जब भी कोई सेल डिवाइड होता है तो उसके साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डिवाइड होती है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो सेल्स को डिवीजन के बाद में अलग करने का काम करती है। तो यहाँ पे भी सेल डिवीजन में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल होता है। और ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर देयर, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं लगती है, पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है। वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये सब विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ और स्पेशल काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स दैट इज डन, दैट इज द वन अनदर फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको अपन NCERT में भी थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये देखिए टू प्रकार का ट्रांसपोर्ट रहता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब आप बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी किया जाता है, तो यहाँ पे इसको एनर्जी नहीं लगती, तो ये है पैसिव। और एक्टिव का मतलब ये होता है कि ट्रांसपोर्ट होता है पर एनर्जी लगती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट देखेंगे कि दो प्रकार का होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट भी, विदाउट मीडिएशन और विथ मीडिएशन। तो मीडिएशन का मतलब क्या है कि कोई रहता है, विदाउट मीडिएशन मतलब कोई नहीं रहता है, मतलब यहाँ पे कोई प्रोटीन या कोई ये नहीं रहता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो मोस्टली इसको बोला गया है विदाउट मीडिएशन। सो दैट इज अ डिफ्यूजन। आपने देखा होगा कि सेंट की बॉटल अगर खुल जाए तो पूरे खुशबू पूरे रूम में आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रकार डिफ्यूजन इज शोन बाय द सेंट पार्टिकल। सो सिमिलरली सम सोल्यूट्स आर प्रेजेंट एंड दीज सोल्यूट्स आर कैन मूव थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन। यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्रॉम देयर हाइयर कॉन्सेंट्रेशन दी सोल्यूट पार्टिकल्स आर मूविंग टूवर्ड्स देयर
लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लगती, ये सिंपल सा पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इस प्रकार थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन ये सेम हो गया, तो इसको बोलेंगे डिफ्यूजन। और फिर ऑस्मोसिस जो है वो मोस्टली वाटर के बारे में बोला बोला जाता है, जब वाटर मूव फ्रॉम इट्स हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे मूवमेंट ऑफ वाटर इज देयर थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो हाउ सी दिस पर्टिकुलर, यहाँ पे जो वाटर है इसमें सॉल्ट है, तो सपोज समझ लीजिए कि ये 90% वाटर है और 10% सॉल्ट है, यहाँ पे 100% वाटर है। तो सही मतलब नेचुरल है कि ये 100% वाटर फ्रॉम इट्स हाइयर कॉन्सेंट्रेशन इट विल मूव टूवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहाँ से वाटर मूवमेंट करेगी इस सॉल्ट सॉल्यूशन में। सो मूवमेंट ऑफ वाटर, सो इसको बोला गया ऑस्मोसिस। सो दिस इज ऑस्मोसिस। देन सेकंड आता है विथ मीडिएशन। सो विथ मीडिएशन का मतलब ये है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही ऐसे कुछ प्रोटीन्स रहते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जिनको बोला गया है, ये मीडिएट करते हैं, तो इसको बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ पे भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी नहीं लगती है, तो इसको बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ सर्टन काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। सो आप इसको एनिमेशन में देखें। सी दिस इज द एनिमेशन ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ दिस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हेल्प्स इन इंटरनलाइजिंग सर्टन मॉलिक्यूल्स। सी दिस इज अ कैरियर मॉलिक्यूल और अ प्रोटीन। ये प्रोटीन रहता है, ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर में ये प्रोटीन रहता है, और ये प्रोटीन में एक स्पेशल एबिलिटी रहती है कि वो जो मॉलिक्यूल जो लेना है अंदर उसके साथ में ये इंटरैक्ट करता है, और इंटरैक्ट करने के बाद में जैसे ये इसको ज्वाइन हो जाता है तो इसके अंदर में एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आ जाता है, और ये कॉन्फॉर्मेशनल चेंज की वजह से ये क्या हो जाता है, इसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। शेप चेंज होने से ये मॉलिक्यूल जो है वो इंटरनलाइज हो जाता है, इस साइड को आ जाता है, मतलब बाहर की साइड से वो अंदर की साइड में आ जाता है सेल के अंदर आने के लिए। सो यहाँ पे जब जैसे ये कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो जाता है और ये मॉलिक्यूल अंदर आ जाता है तो यहाँ पे फिर से उसका कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, और ये फिर से ये मॉलिक्यूल को छोड़ देता है अंदर, और फिर से ये अपना ओरिजिनल पोजीशन ले लेता है ताकि वो अनदर मॉलिक्यूल को अंदर ले सके। सो दिस इज हाउ दैट द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वर्क्स। हियर इट इज टोटली ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्फॉर्मेशनल चेंज, सो द एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, बट द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज वेरी फास्ट। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज सीन इन ग्लूकोज ऑल्सो इन केस ऑफ इंटेस्टिनल सेल्स। सो ग्लूकोज इज इंटरनलाइज विद द हेल्प ऑफ दिस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मैकेनिज्म। यू कैन सी हियर द एनिमेशन। ये जैसे ये बाइंड हो जाता है तो इसका कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाता है, और ये इसको अंदर छोड़ देता है, फिर से वो अपना ओरिजिनल कॉन्फॉर्मेशन ले लेता है ताकि वो नया मॉलिक्यूल को अंदर ले सके। सो दिस इज हाउ दैट दी मॉलिक्यूल्स आर इंटरनलाइज विद द हेल्प ऑफ अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देन आता है एक्टिव। जैसा मैंने बोला आपको कि एक्टिव का मतलब ये होता है कि व्हेन अ पर्टिकुलर एनर्जीज स्पेंड ऑन अ पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन काम आते हैं, मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट रहता है कभी भी ये, तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो रहते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन रहते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। अब पंप जैसा आपको पता है कि पंप काय के लिए यूज करते हैं अपन, वाटर पंप जो होता है वो वाटर निकालने के लिए, वैसे ही ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसको पंप बोला गया है। ये क्या करता है, सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये इस प्रकार ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में
इंट्रिंसिक प्रोटीन रहता है, इंटरनल प्रोटीन रहता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन रहता है। और ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या करता है कि सोडियम आयन जो अंदर है वो बाहर लेके जाता है, और पोटेशियम आयन जो बाहर है वो अंदर लेके आता है। तो इसको बोलेंगे सोडियम पोटेशियम पंप। और ये पंप जो है इसको एनर्जी लगती है, मतलब ये एटीपी खर्च करके ये एटीपी से एनर्जी लेता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है। सो दिस इज नोन एज अ मेम्ब्रेन प्रोटीन सोडियम पोटेशियम पंप। सो दैट इज शोन बाय द दिस इज अ एक्टिव टाइप ऑफ अ ट्रांसपोर्ट दैट इज शोन बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड यहाँ पे अपन एनिमेशन देखेंगे, देखो आप एनिमेशन। नाउ यू कैन सी हियर दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज एनलार्ज्ड हियर एंड यू विल फाइंड दैट द सोडियम पोटेशियम पंप इज देयर। इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इट हैज साइट्स फॉर अटैचमेंट ऑफ एनए पॉजिटिव आयन्स ऑन दिस साइड एंड इट हैज साइट टू साइट्स फॉर अटैचमेंट ऑफ टू के पॉजिटिव आयन्स ऑन दिस साइड। नाउ व्हेन दिस पर्टिकुलर एनए पॉजिटिव आयन्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द इंटरनल साइड और इन द इंटीरियर ऑफ द सेल, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू एक्सटीरियर ऑफ द सेल एंड एट द सेम टाइम द के पॉजिटिव आयन्स फ्रॉम एक्सटीरियर ऑफ द सेल दे आर ट्रांसपोर्टेड टू इंटीरियर ऑफ द सेल। सो यू कैन सी हियर, सी एनर्जी इज स्पेंट ऑन दिस एंड कन्फॉर्मेशनल चेंज दैट टेक्स प्लेस एंड दीज एनए पॉजिटिव आयन्स आर एक्सटर्नलाइज एंड सी एट द सेम टाइम के पॉजिटिव आयन्स आर इंटरनल। So this is all about the cell membrane. My next video will be regarding the question and answers of cell membrane regarding NEET exam. So please or do see that video. Thank you very much for a patient hearing. Please subscribe to my YouTube channel for latest uploads or like my videos and comment. If you have any queries, I will answer it. Please put it in a comment box. Thank you very much.